वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। गंगानगर में सपा नेता और व्यापारी के घर डकैती डालने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है। बता दें, एक साल पहले नौकरी से निकाले गए नौकर ने ही व्यापारी श्रवण चौधरी के घर पर चोरी करवाई थी और अभी कुछ दिन पहले गंगानगर के अमन विहार में रहने वाले व्यापारी सपा नेता श्रवण चौधरी के घर पर एक बड़ी डकैती को बदमाशों ने अंजाम दिया था। तभी से पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई थी। आखिरकार पुलिस को इसकी सफलता मिल गई है। श्रवण चौधरी के यहाँ पर सुनील बंगाली नाम का एक नौकर नौकरी करता था। सुनील बंगाली ने श्रवण चौधरी के यहाँ से 1,00,000 रुपये चुराए थे और फरार हो गया था। कुछ दिन बाद थाना रिसाड़ी गेट पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में सुनील बंगाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में ही सुनील बंगाली की मुलाकात सुशील गुर्जर से हुई। सुनील बंगाली ने सुशील गुर्जर के साथ रणनीति बनाई और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात में सुशील गुर्जर ने अपने गैंग के लोकल बदमाशों को साथ में लिया और इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ये बदमाश आपस में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल फोन कम यूज करते थे और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग के लिए करते थे। इस बारे में एसपी देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला और क्या पूरी घटना है? थाना क्षेत्र गंगानगर में पिछले महीने की 14/15 को एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उस घटना का थाना पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें सेम तरह से घटना कुछ दिन बाद उत्तराखंड में भी हुई थी, जहाँ पर उनकी टीम के द्वारा चार लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से हमारे यहाँ के हमारी घटना में तीन लोग शामिल हैं, जिनका नाम है सुशील, अमृत उर्फ गुड्डू और अतुल। ये तीन लोग हमारे घटना में भी थे। इसके अलावा थाना पुलिस के द्वारा दो व्यक्तियों को रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है, एक का नाम है जुबैर और दूसरे का नाम है अतुल। ये 25-26 साल के हैं। इनके द्वारा जो गाड़ी घटना में रैकी के लिए प्रयोग की गई थी, उसकी भी बरामद की गई है। इन सबको जेल भेजा जाएगा। और इनसे जो लूट डकैती में जो सामान था, क्या उसकी भी बरामद की गई है? देखिए, बिल्कुल, इन सभी से अभी गहनता से पूछताछ हो रही है और जो भी सामान गया था डकैती के दौरान उनकी रिकवरी। सर, क्या इसका मास्टरमाइंड कौन था? सर, क्या इन्होंने ये जेल में बैठ के योजना बनाई थी, क्या था? मास्टरमाइंड तो सुशील था, जो गिरफ्तार हो चुका है। उसका भी वारंट लेके यहाँ पे दाखिल किया जाएगा और फिर PCR लेके रिकवरी वगैरह भी की जाएगी। और निश्चित रूप से जो अभी तक के प्रथम दृष्टया पूछताछ में बात निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि जेल में इनमें से 2-3 लोग जब बंद थे उनके द्वारा अपलाइन किए। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।